हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज के वीडियो में हम एक इश्यू फिक्स करेंगे MySQL का। तो जब जैसे कि आप MySQL वर्कबेंच ओपन करते हो, ये एक इश्यू आप देखे होंगे आपके सिस्टम में दिखा होगा, जैसे नो कनेक्शन एस्टैब्लिश ऑन सर्वर स्टॉप का एक इश्यू आता है, राइट। तो ये इश्यू क्यों आता है, उसका रीजन जानेंगे और इसको कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में हम सीखने वाले। ओके, सो गाइस, वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पे आपको रोज मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ प्रोजेक्ट्स के वीडियो। तो एक बार मैं चैनल का विजिट करके आप देख सकते हो कंटेंट क्या मिलता है, कौन सा लेवल टॉपिक के ऊपर, राइट। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो ये इशू आता है तो सिंपल दो रीजन की वजह से। फर्स्ट रीजन क्या है ना, आपके लैपटॉप में MySQL सर्वर इंस्टॉल जब नहीं होगा, अगर आप ट्राई करो MySQL वर्कबेंच तो एक्सटर्नली डाउनलोड किए होंगे, राइट। तो एक्सटर्नली MySQL वर्कबेंच एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट लोकली को ओपन कर रहे हो, उस टाइम दिखेगा न्यू कनेक्शन एस्टैब्लिश एक इशू आ सकता है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन क्या है ना, आपके लैपटॉप में MySQL सर्वर इंस्टॉल है बट उसके बाद भी यही इशू आता है। दैट मीन्स क्या है ना, आपकी जो बैकएंड में जो होता है सर्विस के अंदर सर्वर MySQL 80 सर्वर सर्विस का, वो क्या है ना स्टॉप रहता है। जब स्टॉप हो जाएगा तब ये एरर आता है, राइट। तो आपको मैं बता दें दो कंडीशन पे। तो जैसे कि तो ये जो MySQL वर्कबेंच जब आप इंस्टॉल करते हो, राइट, तो आपको इनबिल्ट पे मिलने वाला है तो ये जो वर्कबेंच, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन किया था आपको, ऑलरेडी मैं अपलोड करके रखा हूँ चैनल के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल प्लेलिस्ट के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन अंदर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल MySQL MySQL वर्कबेंच फुल सेटअप। तो जब आप MySQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सर्वर क्या होता है, कैसे आप इंस्टॉल करना प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया। ओके, तो ये वाला वीडियो देख देख के आपको फॉलो करना है, आपकी ये वाला एरर भी चला जाए, रिमूव हो जाएगा। इन केस आपको ये जो वीडियो देख के भी आप एरर रिमूव नहीं होता है, दैट मीन्स क्या है ना, सेकेंड रीजन होता है। सेकेंड रीजन दैट मीन्स क्या है ना, MySQL सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है बट तो भी ये वाला स्टॉप का सर्वर ऐसा आ रहा है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है, तो दैट मीन्स क्या है ना, आपको जो सर्विस जो है ये स्टॉप है बैकएंड में, उसको रनिंग कंडीशन में लिखाना है। तो राइट क्लिक करना है, आपके जो नीचे जो टैक्स बार है तो टैक्स मैनेजर को क्लिक करना है। ओके, तो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सिंपल। तो यहाँ पर जैसे कि ऑल द, जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम विंडोज 11 है, राइट। तो अभी लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्विस नेम से एक टैब है, राइट। उस टैब में से क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ऑल द सर्विस जितनी सबके लैपटॉप में जो जो सर्विस चलता है बैक एंड पे, ऑल द सर्विस यहाँ पर दिखा रहा है। राइट साइड देख सकते हो रनिंग चल रहा है, कौन सा स्टॉप है, राइट। तो मैंने आपको बताया था MySQL सर्वर जब इंस्टॉल के टाइम मेरे जो सर्विस का जो नेम था MySQL 80। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे MySQL। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि जो दिखा रहा है MySQL 80 मेरा जो सर्वर अभी स्टेटस क्या है ना, स्टॉप दिखा रहा है, उसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ऑन स्टार्ट करना है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि अगर आपके लैपटॉप में MySQL सर्वर इंस्टॉल है बट ये कि जैसे कि आपको स्टॉप हो जाता है, बट जैसे स्टार्ट करो स्टार्ट नहीं होता, अगेन ओवर स्टॉप हो जाता है, रनिंग कंडीशन में नहीं आता है। तो मे बी यार जैसे आपके लैपटॉप में कैशिंग का इशू भी हो सकता है। ओके, तो जैसे कि उसके बाद जैसे आपको लैपटॉप में जो भी MySQL सर्वर उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो फिर से उसको रीइंस्टॉल करने का काम चल जाएगा। अगर मान लो इसे डायरेक्टली एक ही बार राइटली करने का स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया रनिंग होता है, देन सही है, कोई इश्यू नहीं, डायरेक्टली उसके बाद आपकी जो MySQL वर्कबेंच में आ जाना है। ओके, तो MySQL अब जैसे मेरा क्या है ना, MySQL सर्वर जो है अभी रनिंग स्टेटस पे है, राइट। तो मैं जैसे ओपन कर लूँगा, अभी मेरे को यहाँ पासवर्ड मांगेगा। पहले क्या है ना, नो कनेक्शन एस्टैब्लिश ऑन सर्वर स्टेटस ऑप्शन दिखा रहा था, तो अभी क्या है ना, जैसे कि मैं सक्सेसफुली अभी सर्वर बैकएंड पर रन हो रहा है इसलिए अभी पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड में दे दूंगा अभी। ओके, अभी जैसे सक्सेसफुली क्या है ना मेरे यहाँ पर, तो डाटाबेस अभी ओपन हो चुका है, अभी जैसे कोई भी मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे क्या है ना, मेरे सक्सेसफुल लोकली MySQL सर्वर बैकग्राउंड पर रन हो रहा है, रन होने के बाद जैसे MySQL वर्कबेंच को एक्सेस कर पा रहे सर्वर को। ओके, तो गाइस ये था इशू कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैंने बताया दो तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जो तरीका है, जैसे आपके लैपटॉप में MySQL सर्वर अगर इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लेना, उसके MySQL वर्कबेंच में ऑटोमेटिकली सर्वर आ जाएगा, वही नो कनेक्शन एस्टैब्लिश का इशू नहीं आ सकता, नहीं आएगा, राइट। सेकेंड जो है, जैसे आपका इंस्टॉल ऑलरेडी है, अगर इंस्टॉल है देन आपको टैक्स मैनेजर में आके चेक करना है सर्विस में MySQL 80 स्टॉप स्टेटस क्या है, अगर स्टॉप है तो उसको स्टार्ट कर देना, राइट। ओके, तो अगर मान लो स्टॉप है उसको फिर स्टार्ट कर, अगर स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, राइट, अगेन स्टॉप हो जा रहा है, देन दैट मीन्स क्या है ना, तो कैशिंग का कुछ इश्यू हो सकता है, जो MySQL सर्वर जो है तो MySQL इंस्टॉलर डायरेक्टली ओपन करके अनइंस्टॉल कर देना। ओके गाइस, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है MySQL सर्वर का तो जैसे इश्यू। तो गाइस वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जैसे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट देता रहे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।